कार्डलिया केस में मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक तरफ इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वहीं जांच एजेंसी एनसीबी ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, उसे खारिज कर दिया गया। अब ये समझिए कि एक मांग खारिज की गई है और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एनसीबी चाहती थी कि उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए, 3 दिन का कम से कम और वक्त दिया जाए, जिससे वो पूछताछ कर सकें और आगे और बातें जान सकें कि आखिर किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। और साथ ही साथ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन खान के साथ उन 8 आरोपियों को भेज दिया जिनके बारे में खबरें सामने आ रही थी। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया, जो जमानत की अर्जी लगाई गई थी, और आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने तुरंत ही जमानत अर्जी का दायर की है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सेशन कोर्ट में जाएंगे और वहां पर अपील करेंगे। इसी के साथ आज आर्यन खान की मां और शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का जन्मदिन था, और जब से आर्यन खान हुए हैं ये पहला उनका जन्मदिन है जो वो अपने साहबजादे के बिना मना रही हैं। ये एक बड़ी खबर है कि आज गौरी खान का जन्मदिन है, ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा आज बेल पर रिहा हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने खान परिवार को झटका दिया और बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आ रही हैं उनके तहत आर्यन खान पर NDPC 8C 20B 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इनके तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन ने माना है कि उन्हें ड्रग्स सेवन की लत थी, तभी ये धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि वो लगातार कह रहे थे कि उनके पास से कोई भी ऐसी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। वहीं बात की जाए अगर गौरी खान की, तो गौरी खान का ये पहला ऐसा जन्मदिन है उनके बेटे के जन्म के बाद जो वो अपने बेटे के बगैर मना रही हैं। ऐसे में उनकी बेटी भी विदेश में है और बेटा इस टाइम जेल में है और काफ़ी दुखद है ये। साथ ही साथ इस वक्त चिंतन करने की ज़रूरत है शाहरुख खान के साथ गौरी खान को भी, कि जब आप बच्चे के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसे पैसे देते जाते हैं या उसकी मनमर्जियों को मानते जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता है जब आप बिना बच्चे के किसी सुख को सेलिब्रेट करें। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल रहा होगा गौरी खान के लिए, लेकिन इससे उन्हें एक सबक लेना चाहिए और जो भी बच्चे करते हैं उनके ऊपर एक पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडिया में खोता जा रहा है। स्मार्टफोन के अलावा दूसरी अगर बात की जाए तो पेरेंटल कंट्रोल 24 साल की उम्र में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि शुरुआत से ही बच्चों पर वो कंट्रोल रखा जाए जिससे वो काबू में रहें। आज का दिन काफ़ी अच्छा होता है वैसे गौरी खान के लिए अमूमन, लेकिन आज का दिन उनके लिए थोड़ा सा दुखद है और जाहिर सी बात है किसी भी माँ के लिए दुखद होगा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।